बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मुशाहिदीन अलकराम। के फिलहाल क्या हाल आप लोगों के? ठीक है, खैरियत से? और फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश हो। दोस्तों, आप लोगों के बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं लॉकडाउन के हवाले से, तो उसकी पूरी तफसीलात जो इस वक्त तक की है वो मैं आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हूँ। आप लोग के सवाल आते हैं कि अजीम भाई, क्या हम लोग लॉकडाउन के दरमियान ग्रॉसरी वगैरह कर सकते हैं, चीज़ें खरीद सकते हैं, होम डिलीवरी सर्विस ओपन है या नहीं ओपन है? तो इसके वाले से अभी तक के मुताबिक की जो रिपोर्ट मैंने कवर की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं, आप लोग देख सकते हैं रात को ये ओमान डिफरेंस और ओमान के दूसरे जो सोशल मीडियाज है जो कि ऑफिशियल तौर पर बहुत ज़्यादा मकबूल है, उनके ऊपर ये स्टेटमेंट शाया की गई है। इन स्टेटमेंट्स के मुताबिक आप लोग देख सकते हैं तस्वीर भी कि ओमान के मुख्तलिफ मॉल्स के अंदर जो ग्रॉसरी का सामान है वो लोगों ने बिल्कुल खरीद कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं इससे भी ये बात निकलती है कि 4 दिन के लिए सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगेगा। तो इसलिए इस शाया के थ्रू हम आप लोगों को यही कहेंगे कि अगर आप लोगों को अपनी कोई ज़रूरी चीज़ें वगैरह ख़रीदनी है, ग्रॉसरी वगैरह की अपना इंतज़ाम कर लें। आज अभी तकरीबन 11 बजने वाले हैं और 5 बजे तक का टाइम है, इस दौरान आप लोग जो ख़रीद सकते हैं वो ख़रीद लें, क्योंकि हो सकता है आगे 4-5 दिन बिल्कुल बंद रहे तमाम चीज़ें। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं ओमानी कम्युनिटी की तरफ से यही खबरें आ रही हैं कि आप लोग अपने 4-5 दिन का जो सामान है वो ख़रीद के रख लें ताकि आप लोग ईद अपने घरों के अंदर अच्छे तरीके से गुजार सकें। इसके अलावा आप लोगों का सवाल आता है होम डिलीवरी के हवाले से, अभी तक के मुताबिक कोई होम डिलीवरी के हवाले से नहीं पता, अभी तक के मुताबिक कोई होटल्स के हवाले से नहीं पता। अगर कोई रिपोर्ट आती तो इस वक्त तक के मुताबिक आ जाती, कल तो अब है ही ईद। तो बस जो खबरें हैं वो यही है, गाइड यही करेंगे कि जो चीज़ें वगैरह वो आप लोग अपनी खरीद लें। और ये इस वक्त तक की तमाम जो अपडेट्स थी लॉकडाउन के हवाले से, इंशाल्लाह जैसे और भी अपडेट्स आती है वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को देंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।